अनुप मित्तल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मित्तल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एकदम परफेक्ट दिन हम आपसे बात करें जब आपका स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, और एक बड़ी इवेंट जो हिंदुस्तान में इस वक्त दिख रही है, जापान के बाद अब चीन से भी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल से चीनी प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में है और उनसे जिस तरह के करार होते हुए दिख रहे हैं, बाजार ये उम्मीद कर रहा है कि आपकी कंपनी भी किसी न किसी तरह के ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करेगी, या फिर जो एग्रीमेंट साइन होंगे उससे आपकी कंपनी को बड़ा फायदा, बड़ा बिजनेस मिलेगा। एक अंदाजा दें किस तरह का मौका आपकी कंपनी के लिए हो सकता है यहाँ पर। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि सीधा का सीधा जापान या चाइना से जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें सीधा एनबीसीसी को सबसे पहले बेनिफिट होगा, लेकिन मैं इसको ज़रूर मानता हूँ कि कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा हिंदुस्तान में, चाहे वो इंटरनल है या जापानीज कंपनी या चाइनीज़ गवर्नमेंट करेगी, उसमें एनबीसीसी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में है और गवर्नमेंट की कंपनी है, बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट करेगी और कुछ ना कुछ फ़ायदा एनबीसीसी को होगा ही होगा। उम्मीद यही है कि आपके हाथ भी काफी बड़े ऑर्डर्स लगे, लेकिन काफी लैंड बैंक्स को मोनेटाइज करने की बात अनुप जी चल रही है इस समय। बीमार पीएसयू का जो लैंड बैंक है, क्या वहां पर कोई एक स्पेसिफिक कंपनी है जिसके साथ आप साझेदारी में ज्वाइंट डेवलपमेंट करने वाले हैं? बिल्कुल, हमारी कुछ कंपनी से बात चल रही है, कुछ सिक पीएसयू हैं, कुछ ठीक करती हुई पीएसयू भी हैं, और उनके साथ अरेंजमेंट इस तरह होगा कि लैंड उनकी होगी जो उनके पास अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, और उसके बाद जॉइंटली उसको या तो सेल करेंगे या प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर, और दोनों को बेनिफिट होगा। एक अंदाजा दें मित्तल साहब कि आपकी ऑर्डर बुक का इस वक्त कितनी बड़ी है? देखिए, अभी हमारे पास ऑर्डर बुक कंफर्म 18,000 करोड़ के करीब है, और जैसे हमें अगले 3 साल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस में कंप्लीट करना है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है, अब उनकी वैल्यू तो इतनी है कि मैं बताऊंगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स इन पाइपलाइन, बट उम्मीद करते हैं कि उसमें से कुछ के मैच्योर होने के चांसेज हैं फाइनेंशियल ईयर में, और क्लैरिटी अगले 3-4 महीने में आ जाएगी। जैसे जैसे अप्रूवल्स आनी शुरू होंगी, इनफ्लो होगा, तब पता लगेगा कि कितनी जल्दी आता है। हमें 1-2 महीने इसके बारे में जरा वेट करना पड़ेगा। अरुण जी, जहाँ पर आप काफी बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन वो आपके नंबर्स में किसी वजह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। पहले तिमाही में हमने देखा इनकम में सिर्फ 11% का इजाफा देखने को मिला, दूसरी तरफ मुनाफा करीब 11% गिरा था ईयर ऑन ईयर। कब तक हम देखेंगे जो बिजनेस एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट है वो रिफ्लेक्ट होगा नंबर्स में? देखिए, एक तो ये है कि एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप क्वार्टरली इवेल्यूएट करना बंद करेंगे। कंस्ट्रक्शन एजेंसी कभी भी नहीं हो सकती है, उसके लिए साल तो कम से कम चाहिए। और नंबर दो, जो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि ये कंपनी को जितने भी ऑर्डर्स मिले हैं, अगर आप नोटिस करें पिछले 1 साल या 6 महीने के अंदर ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। अब उन ऑर्डर्स को ग्राउंड पे कन्वर्ट करने में समय लगता है, अप्रूवल्स चाहिए, आपको पता है हिंदुस्तान में कितना समय लगेगा अप्रूवल्स में। अब वो अप्रूवल्स आ रही हैं कुछ प्रोजेक्ट की, जैसे अब न्यू किदवई नगर प्रोजेक्ट शुरू हो गया है 5,000 करोड़ का, और बहुत सारे इस प्रोजेक्ट तरह की शुरू हुए हैं, तो वो आपको अगले 3 महीने 6 महीने और आगे देखेंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको काफी एकदम अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ नजर आनी चाहिए। मित्र साहब, आपकी कंपनी के पास अच्छा खासा लैंड बैंक है, और उसे भी बेचने की या फिर उसके मोनेटाइजेशन को लेकर काफी चर्चाएं थी। एक अंदाजा दें लैंड बैंक कितना है, और आपने क्या इसका कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कराया है, और इसको लेकर आपकी क्या योजना है? देखिए, हमारे पास 35 लोकेशन पे लैंड बैंक है, 180 एकड़ के करीब अगर नंबर मुझे ठीक याद है, और वो ऐसा नहीं है कि दिल्ली है, पूरे अक्रॉस द कंट्री हर जगह है। करंट वैल्यू हमने नहीं कराई है उसकी वैल्यूएशन, लेकिन उसमें से 5 प्रोजेक्ट्स हम अक्टूबर मंथ में शुरू करेंगे, और उम्मीद है हर क्वार्टर में एक एक दो दो प्रोजेक्ट शुरू करते जाएंगे। तो मित्तल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी कंपनी ने इन्वेस्टर्स को काफी बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिए हैं अब तक बाजार में। उम्मीद करें इस तरह का रनअप आगे भी बरकरार है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका।